हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रहे हैं एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे फंदे। फंदे डालने के बाद इस तरीके से फंदे, अब इसमें हमने थोड़े से फंदे डाले हैं, आपको जितने कम ज़्यादा डालने हो सेम प्रोसेस में ही बनेगा, आप बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तो मैं आपको छोटा सा बना के दिखा रही हूँ। तो इसको जिस तरह से हम बना रहे हैं आप उसी प्रकार से बनाइएगा। अगर फंदे बड़े बना रहे हैं तो उसमें उसी प्रकार से दो चार फंदे बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम सेम प्रोसेस की एक रो बनाएंगे, उसके बाद इस तरफ एक फंदा छोड़ के आगे का प्रोसेस बनाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ तक ही बना लिया है, एक रो बना के सेकंड तरफ आके यहाँ तक ही बनाया। अब यहाँ से हम ये देखिए दो दो चार दो छः सात, सेवन फंदे हमारे बचे। अब यहाँ से सात फंदों को हम किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए यहाँ से हम येलो कलर लगाएंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे। अभी इस धागे को ऐसे कर लेंगे, तो अगर नहीं करना है तो आप मत कीजिए, इस तरीके से बनाइए। देखिए वन टू थ्री, ये देखिए इस प्रकार से बनाइएगा। और जो ये धागा होता है आप इसको इसमें इस प्रकार से मिला लीजिए। अब यहाँ से हम बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से पहले एक फंदा छोड़े थे, अब देखिए यहाँ पे एक फंदा छोड़ेंगे और यहीं से पलट लेंगे। पलटने के बाद जो जैसा है उसी कलर से बनाएंगे, ये देखिए इस प्रकार से। एक रो को हम पूरा समझा देते हैं, इस तरीके से बनाइएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए तभी समझ में आता है, अगर स्किप करेंगे और आप बिल्कुल बिगनर हैं तो नहीं बना पाएंगे, जो बना लेते हैं वो तो बना सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए, इस प्रकार से बनाइए। और आपको अगर और अच्छे अच्छे डोरमेट देखने हैं तो मेरे वीडियो को पे जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत खूबसूरत सी डोरमेट डाली हुई है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से हम बनाएंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट कैसा होगा, अब नेक्स्ट जो रो होगी हम उसको पूरा किससे बनाएंगे, हम पूरा बनाएंगे रेड से। तो चलिए पूरी रो को हम रेड से बनाते हैं इस प्रकार से, ये देखिए अब यहाँ से हम रेड बनाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे एक ये वाला हम येलो छोड़ के यहीं से पलट लेंगे। अब पलट लिया, पलटने के बाद इस तरीके से यहाँ से हम पूरी रो को एक तरफ से पूरा रेड से ही बनाएंगे। पूरा इजीली तरीके से आपको बता रहे हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए, और देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा डोरमेट बनके रेडी होता है। तो ये देखिए इस फंदे को हम सीधा लेंगे, पलट लेंगे। अब यहाँ से हम इस फंदे को उतारेंगे और एक दो तीन, तीन फंदे बुने हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम एक ये वाला येलो, ये देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला येलो था, तो अब इससे एक फंदा आगे से हम येलो लगाएंगे इस प्रकार से। और हमें कितने फंदे बुनने हैं वो भी दिखाते हैं, तीन चार पाँच और ये छः, छः फंदे बुनने, यहीं से पलट लेना है। अब यहाँ से इस धागे को पीछे करेंगे और रेड आगे लाएंगे। अब यहीं से हम रेड को पूरा रेड से बुनेंगे और फिर से एक रो हम रेड से बुनेंगे, फिर से दोबारा सेम प्रोसेस करेंगे इस तरीके से, सेम प्रोसेस में करते रहेंगे। ये देखिए अब यहाँ से पूरा हम येलो को रेड से बुनेंगे इस प्रकार से, पूरे फंदे हम येलो को, येलो वाले और रेड से बुनेंगे। ये देखिए अब यहाँ से एक येलो छोड़ेंगे, पहले येलो रेड फिर येलो, पलट लेंगे।
ये देखिए फिर से हम इस तरीके से येलो को येलो से बनाएंगे, ऐसे पलट लेंगे और बाकी फंदे हम येलो से बना देंगे रेड से, और ये सीधा फंदा लेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, इस तरीके से हमें पूरे येलो वाले बनाने हैं रेड कलर से, इस तरह से। अब यहाँ से हम पलट लेंगे, ये देखिए इस प्रकार से बनाएंगे। ये वाला हम रेड लेंगे, सीधी साइड से पलट लेंगे। अब ये देखिए हमने यहाँ पे पहले ये देखिए घटाते हुए पूरे फंदे बुने, यहाँ दो फिर एक। अब इन एक, अब इसको क्या करेंगे, हम पूरा इसे बुनेंगे किस कलर से, येलो कलर से, जो हमारा लास्ट में कलर है वही कलर से बुनेंगे। आप पीला नीला जो लगाना चाहें आप उसी कलर से बनाएंगे। तो इस तरीके से पूरा हम बुन लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से हमें इस फंदे को इसी तरीके से जो जैसा है वैसे ही हमें बुनना है, इस प्रकार से बुनेंगे। पूरा येलो से बुन लेंगे। अब ये जो लास्ट का फंदा है इसे हम रेड से बुनेंगे, इसे भी सीधी साइड से लेंगे। अब यहाँ पे हमने लास्ट में एक था, तो अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ क्या करना है हमें, ये रेड से एक बुनना है और यहाँ पे दो येलो से, येलो दो से बुनने हैं, और नीचे साइड को बाकी हमें, और यहीं से पलट लेना है। पलटने के बाद ऊपर की साइड को जाएंगे, और ये रेड को रेड से बुनेंगे। अब ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन हाफ रेडी हो गई है, ये देखिए इस तरीके से हाफ बन गई है। यहाँ पे फ्लावर बन गया, ये पत्तियाँ बन गई। अब इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे बनाया था उसी सेम प्रोसेस में हम नीचे की साइड को बनाएंगे और हमारी ये डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगी इस तरीके से।